गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। आ चुके हैं हम आज एक न्यू वीडियो शूट करने। गाइज आप लोग देख ही सकते हो बैक साइड से दोनों स्कूटी की लुक, और आप लोगों को डिफरेंस पता लग रहा ही होगा। गाइज मैंने अपनी स्कूटी की हाइट बैक साइड से और इंक्रीज कर दी है, क्योंकि मेरे फ्रेंड की एक्सेस है ये। इस वाले एक्सेस का इंजन सीज हो चुका था अभी, मतलब 1 वीक हुआ है इसको रिपेयर किए हुए। तो मैंने भाई को बोला कि लेके चलते हैं और वीडियो शूट करते हैं, तो भाई ने थोड़ी बहुत नॉर्मल कर दी, और भाई ने अपना जो मतलब ये स्पोकर में स्पेसर दिख रहा होगा मेरी स्कूटी में, मेरे फ्रेंड की स्कूटी में लगा हुआ था ये स्पेसर, सो भाई ने ये रिमूव करवा दिया और मैंने अपनी स्कूटी में लगा लिया, ये देख सकते हो। सो गाइज मैं आपको एक सीन बताता हूँ, मेरी स्कूटी में ऑलरेडी हाइट इंक्रीजर लगा हुआ था, स्कूटी में ऊपर वाली साइड लगा हुआ है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। आई होप कि दिख जाए यार, ऊपर वाली साइड मैंने इंस्टॉल करवाया हुआ है, देख ही सकते हो, आई होप दिख रहा होगा ऊपर वाली साइड लगा हुआ है मेरी स्कूटी में। सो गाइज आप लोग देख ही सकते हो मैंने नीचे वाली साइड वो इंस्टॉल कर लिया खुद ही। सो आप लोग बैक साइड से लुक देख ही सकते हो दोनों स्कूटी की, ये एक लगा हुआ था और अभी मतलब भाई ने खुलवा दिया तो मैंने लगा लिया अपनी स्कूटी में। सो देख ही सकते हो मेरी स्कूटी की हाइट कितनी ज़्यादा हो चुकी है। मैं आप लोगों को फ़िल्टर बॉक्स बताता हूँ, देख ही सकते हो मेरी फ़िल्टर बॉक्स की हाइट देखो और इस वाले की देखो। ये फ़िल्टर बॉक्स मतलब पूरा अंदर कवर है, और ये देख सकते हो पूरा मतलब बाहर दिख रहा है। एक साइड ही लगाते हैं शोकर में, बट मैंने एक नई मॉडिफिकेशन करी है, सो मैंने दोनों साइड लगा लिया, जिसकी वजह से मेरी स्कूटी की हाइट देख सकते हो कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। ये स्पेसर की क्वालिटी देख ही सकते हो, काफ़ी बेकार होती है, बट हाइट इंक्रीज़ करने के लिए काफ़ी बढ़िया चीज़ है। मैं आप लोगों को एक इसकी डिसएडवांटेज बताता हूँ, ये जो अंदर इसके अंदर बुश होता है ना, यहाँ पे बुश होता है अंदर, सो इसको लगाने की वजह से यहाँ अंदर वाला बुश कट जाता है मतलब कुछ टाइम में। मैंने स्टार्टिंग में इस नीचे लगाया हुआ था, ये जो स्पेसर दिख रहा है ना आप लोगों को, ये स्पेसर मैंने नीचे लगाया हुआ था पहले स्टार्टिंग में। सो बहुत बार मुझे ये प्रॉब्लम आई, जो बुश है ना ये कट जाता है, और मैंने बहुत बार चेंज करवाया। देन उसके बाद मैंने ऊपर वाली साइड ही लगाया हुआ स्पेसर, सो भाई ने अपनी स्कूटी का खोल दिया, देख ही सकते हो मतलब कंपनी प्रोवाइड करती है हाइट, वही हाइट है इसमें, सो देख ही सकते हो मैंने दोनों साइड लगा ली। गाइस आप लोग लुक देख ही सकते हो दोनों स्कूटी की कितनी प्यारी लुक आ रही है, मेरी स्कूटी की हाइट काफ़ी ज़्यादा लग रही है और मतलब काफ़ी बढ़िया लुक आ रही है यार, काफ़ी प्यारी लुक आ रही है। ये देखो इस स्कूटी में यहाँ से कुछ दिख रहा नहीं है अंदर, और इस वाली स्कूटी में देखो यार सारा कुछ दिख रहा है, कार्बोरेटर वगैरह सारा सीन दिख रहा है अंदर का, इंजन वगैरह दोनों में काफ़ी डिफरेंस है यार। पिछली वीडियो में मैंने बर्नआउट किया हुआ था, सो वो वाला टायर तो वर्कशॉप जाके चेंज करवा लिया था उसी दिन, बाकी देख ही सकते हो मेरे पास घर में स्पेयर टायर पड़ा हुआ था एक, सो मैंने फ़िलहाल के लिए वो लगा लिया है, सो इसको भी देखते हैं जल्दी जलाएंगे इसको भी, बाकी बाइक का टायर भी देख सकते हो। और जो भी मैं अपनी स्कूटी में मॉडिफिकेशन वगैरह करवाता हूँ आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करता हूँ। मैंने आप लोगों को बस यही बताना था कि मतलब मैंने न्यू मॉडिफिकेशन अपनी स्कूटी में क्या करवाई है, सो आप लोगों को मैंने बता दिया। मैंने यहाँ पे भी नीचे ये स्पेसर लगाया हुआ है, और ऊपर वाली साइड में आप लोगों को लास्ट बार बता देता हूँ, ये देख ही सकते हो ऊपर दिख रहा होगा आप लोगों को, जैसा कि आपको मैंने बताया कि मैंने मतलब अपनी स्कूटी की हाइट कैसे इंक्रीज़ करी है। आप लोगों भी कर सकते हो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है यार, बट पहले मैंने सोचा हुआ था कि जब मैं इसको इंस्टॉल करवाऊँगा ना स्पेसर को, इंस्टॉल करते करते वीडियो बनाऊँगा इसके, सीन ही होता है कि ये वाला नेट खोल देना तो स्कूटी मतलब ऊपर से उठानी पड़ती है, और मतलब 2-3 बंदों का काम होता है, मतलब पकड़ने पड़ती है यार, काफ़ी भारी होती है चेसिस की। दोनों स्कूटी की लुक बता देता हूँ, उस साइड से धूप पड़ रही है यार। सो गाइज आप लोग देख ही सकते हो सेम मॉडिफाई करी हुई है हमने। मैंने स्पेशली भाई को बोला था कि मतलब हमने स्पेशली वीडियो बनानी है एक इस पे हाइट इंक्रीजर पे, तो भाई आज अपनी स्कूटी ले आए हैं, अदरवाइज हम मतलब एक ही स्कूटी में आते हैं। तो आप लोग व्यू देख ही सकते हो यहाँ का, सारा ऑफ रोड है इस साइड, मेरे वही बात यार मामी नहीं डालूंगा। सो गाइज एक चीज और बताना था यार मैंने, ये देखो जो इसकी मतलब ये ड्रम ब्रेक वाली स्कूटी है ना, ये देखो ये ड्रम ब्रेक वाली स्कूटी की देखो शोकर देख ही सकते हो कुछ अलग टाइप का है, और मेरी वाली स्कूटी का देखो शोकर, मैंने कुछ चेंजेस नहीं करे हैं, पता नहीं अब एजेंसी से ऐसे आए हुए। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही था, सो गाइज करते हैं वीडियो को एंड, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइज मिलते हैं अब आपको एक न्यू वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।